जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक देश में एक ही बार में सारे चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव, सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव और सभी स्थानीय निकायों के चुनाव, सारे साथ साथ। ये भी काफी पुराना मुद्दा है, साल 1983 से ये मुद्दा चर्चा में रहा है। लगभग 40 साल पहले चुनाव आयोग ने पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया था। बीच बीच में कई दूसरी कमेटियां भी इस संबंध में अपनी राय देती नहीं, काफी समय से इस पर बस बात होती रही, कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर एक्टिव और सीरियस दिख रही है। सरकार के तेवर और तैयारी बता रहे हैं कि वह इसे अमल में लाना चाहती है। लंबे समय से पेंडिंग इस मुद्दे को वह देश हित में जरूरी मान रही है। एक बड़ा काम हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कमेटी के काम की आप रफ्तार देखिए। 2 सितंबर 2023 को समिति का गठन हुआ। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए। 2 सितंबर को कमेटी बनी। 23 सितंबर को कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हुई। उसके बाद से लगातार कमेटी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, चुनाव और संविधान के जानकारों के साथ भी, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के साथ बैठकें करती गई, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में मंथन करती रही और सबके विचार राय को समेटा जाता रहा। रिपोर्ट में बताया गया है कि 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी, जिनमें से 32 ने पक्ष में अपनी बात कही और 15 ने इसका विरोध किया। 191 दिनों की मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार हुई। 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में कई सारे सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद 100 दिनों के भीतर निकाय चुनाव भी करा लिए जाएं। इसके लिए सबसे पहले एक कॉमन यानी कि साझा मतदाता सूची तैयार की जानी चाहिए। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार की जाती है, जबकि स्थानीय जो चुनाव होते हैं, नगर निकायों के, पंचायतों के, उनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अलग मतदाता सूची तैयार करवाता है, जारी करता है। रिपोर्ट में से एक करने को कहा गया है। रिपोर्ट के पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है और दूसरे चरण में नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायतों को इस तरह प्लान करने को कहा गया है जिससे सारे चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के खत्म होने के 100 दिनों के भीतर संपन्न हो जाएं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी ने रिपोर्ट में ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे एक देश एक चुनाव का होना भारत के लिए जरूरी है। एक साथ मतदान होने से भारत की जो उम्मीदें हैं, उसके जो सपने हैं, उनको पूरा करने में मदद मिलेगी। चुनावी खर्च बहुत बचेगा, वह पैसा विकास के काम में खर्च होगा, डेवलपमेंट तेज होगा, नजर आएगा। एक साथ मतदान से सामाजिक एकजुटता, ये जो बार बार फूट होती रहती है, चुनाव को लेकर के माहौल खराब होता रहता है, वो बार बार नहीं होगा और उनको ठीक से चला पाना समाज को आसान हो जाएगा। लोकतंत्र की जो नींव है वो मजबूत होगी। कोविंद पैनल का कहना है कि एक साथ मतदान से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और समावेशी जो अप्रोच है उसको मजबूती मिलेगी। इससे व्यवस्था में मतदाताओं का विश्वास बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। देखिए, संवैधानिक तौर पे अपना संशोधन करना पड़ेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और सबसे इम्पोर्टेंट होगा
आर्टिकल 83 और 172 जो टेन्योर ऑफ लोकसभा और टेन्योर ऑफ असेंबलीज का आर्टिकल है, क्योंकि दोनों के आर्टिकल में लिखा है कि 5 साल या अनलेस डिसॉल्वड अर्लियर, इसलिए अनलेस डिसॉल्वड अर्लियर अगर नहीं हटाएंगे तो फिर वो 5 साल अब फिक्स नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक वन नेशन वन पोल का सवाल है, 52, 57, 62, 67 ये चार जनरल इलेक्शन जो हुए थे इस देश में, चारों वन नेशन वन पोल वाले थे, क्योंकि उस समय तक कोई असेंबली अर्लियर डिसॉल्व नहीं हुई थी, ना पार्लियामेंट डिसॉल्व हुआ था। उसके बाद से असेंबलीज डिसॉल्व होने लगे 69, 70 में, पार्लियामेंट का भी 70 में कर्टेल हो गया, तो इसलिए सब वो अलग अलग टाइमिंग पे सारे हो गए इलेक्शंस। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, इसको लाना चाहिए, और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए। हमारे जो पॉलिटिक्स में आया राम गया राम जो चल रहा है, उसको धीरे धीरे और कम करना पड़ेगा, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को भी बदलना पड़ेगा, फिक्स टेन्योर करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से देश के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये वन नेशन वन पोल अगर लागू कर दिया जाए। आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे, इसका A to Z जानेंगे। एक देश एक चुनाव का जो सबसे बड़ा फायदा है, वो चुनावी खर्च में कटौती को माना जा रहा है। इस वक्त देश में सारे चुनाव अलग अलग होते हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, स्थानीय निकायों के, सारी सरकारी मशीनरी उसमें लगा दी जाती है। चुनाव के लिए जरूरी व्यवस्था को बार बार तैयार करना पड़ता है, सरकारें लग जाती हैं, पार्टियां लग जाती हैं, कार्यकर्ता लग जाते हैं, सरकारी मशीनरी लग जाती है, लगता है कि और कोई काम हो ही नहीं रहा और वाकई ठप पड़ जाता है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम करवाने होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, तमाम को आप उसमें खपा देते हैं, बहुत खर्च होता है। ये खर्च साल दर साल बढ़ता जा रहा है। आजादी के बाद जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, उस समय लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पूरी व्यवस्था पहली बार बनी होगी, ढांचा बुनियादी तैयार किया गया होगा, खर्च ज्यादा हुआ। अगला चुनाव जो 1957 में हुआ, उस समय 6 करोड़ के आसपास खर्च हुए चुनावों में, लेकिन 1971 उसके बाद लोकसभा चुनावों का खर्चा बढ़ता चला गया। 1971 में 11 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च हुए और 89 में ये 3 डिजिट में पहुंच गया, खर्च हुआ 154 करोड़ 22 लाख रुपए। 2004 में 1000 करोड़ के पार चला गया, 2014 में 3870 करोड़ से ज्यादा। ये आंकड़े सिर्फ लोकसभा चुनाव के हैं। आप सोचिए कि सारे विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो खर्च होता है उसको जोड़िए, 2024 के लोकसभा चुनाव पर 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सभी विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाया जाए तो यह कुल रकम जो बनती है उसमें लगभग 3-5 लाख करोड़ रुपए तक आप बचा सकते हैं। अनुमान यह कहता है कि 10 लाख करोड़ रुपए चुनाव में खर्च होते हैं समूचा चुनाव करवाने में इस देश में। लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों तक सभी चुनावों पर यह रकम आती है। अगर चुनावों को साथ कराया जाए तो 5 लाख करोड़ रुपए तक की बचत की जा सकती है। सरकार को बचत का यह आंकड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए सरकार सारे चुनाव एक साथ करवाने की कोशिश में जुटी हुई है। अब इस मामले को लेकर के देश में एक ऐसे वकील या लीगल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने वन नेशन के साथ जितने भी जरूरी बंदोबस्त होने चाहिए उसको जोड़ा, पिटीशन डाली, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन सिविल कोर्ट। नाम है उनका अश्विनी उपाध्याय, और अश्विनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय, आम आदमी देश को आपको सुन रहा है, एक साथ में देश में अगर सारे चुनाव कराए जाएं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ये संभव नहीं है और यह ठीक भी नहीं है देश की सेहत के लिए, क्योंकि आप इसके बड़े पैरोकार हैं, वैसे कौन कौन से कारण हैं जिनको आप आधार बना करके वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी मानते हैं देश में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट राणा जी, टाइम बचेगा। टाइम बहुमूल्य होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो हमारा इतना बहुमूल्य टाइम बर्बाद होता है, हर साल 5-6 राज्यों की विधानसभा का चुनाव होता है,
फिर पार्षद का चुनाव अलग से होता है, फिर पंचायत क्षेत्र पंचायत का चुनाव अलग से होता है, ग्राम सभा का चुनाव अलग से होता है, फिर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होता है। तो पूरे के पूरे साल एक बार लोकल बॉडी का वोटर लिस्ट बनती है, फिर विधानसभा की वोटर लिस्ट बनती है, फिर लोकसभा की वोटर लिस्ट बनती है, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो कुछ लोग छूट जाएंगे। तो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, मैन पावर पूरा वेस्ट होता है, स्कूलों में छुट्टियां करनी पड़ती हैं, स्कूल के टीचर की ड्यूटी लगानी पड़ती है, और सबसे बड़ी बात ये जो दल बदल का कार्यक्रम चलता है ये इलेक्शन टाइम में ज्यादा चलता है। तो इलेक्शन टाइम में दल बदल की प्रक्रिया, चूंकि 5 साल में एक बार होगा, तो जो दल बदल होगा 5 साल में एक बार होगा, ऐसे पूरे साल दल बदल चलता रहता है, पूरे साल तू तू मैं आरोप प्रत्यारोप बतौलेबाजी ये वो दुनिया भर का। और सबसे और मुख्य जो जाति का जहर, आप ध्यान से देखिए, जाति का जहर तब घोला जाता है जब इलेक्शन आने वाला होता है, भाषावाद का जहर तब घोला जाता है जब इलेक्शन आने वाला होता है, क्षेत्रवाद का जहर ज्यादा तब घोला जाता है जब इलेक्शन आने वाला होता है। तो ये जो पूरे साल जातिवाद भाषावाद क्षेत्रवाद का जहर घुलता रहता है समाज में, उसमें भी बचत होगी, भाई जो जितना जहर घोलना है वो 5 साल में एक ही बार घोला जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ा फायदेमंद है। और शुरुआत के 4 लोकसभा इलेक्शन एक साथ में हुए हैं, भारत में था, हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा भी यही थी, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, चलता भी रहा। ये तो बाद में नेहरू जी के टाइम में और खासतौर पर इंदिरा जी के टाइम में बहुत ज्यादा आर्टिकल 356 यूज हुआ, बहुत ज्यादा विधानसभाओं को भंग किया गया, तो पूरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं राणा जी, 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, और केवल एक साथ चुनाव नहीं होता बल्कि उनका डेट भी फिक्स होती है और दिन भी फिक्स होता है, तारीख भी फिक्स होती है, और उसको इलेक्शन डे कहते हैं। उन 48 देशों में केवल संडे को ही चुनाव होता है। संडे को क्यों? क्योंकि मंडे फ्राइडे सबने अपना काम धाम कर लिया, वीकेंड है, किसी को छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, कोई ऑफिस नहीं बंद करना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज नहीं बंद करना पड़ेगा, इसलिए संडे को चुनाव होता है। और नाम उनका आपको मैं बताता हूं, जो संडे 48 देशों में अल्बानिया है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, बोलिविया है, बोस्निया है, ब्राजील है, बुल्गारिया है, चिली है, कोलंबिया है, क्रोएशिया है, साइप्रस है, इसके अलावा फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, हांगकांग है, हंगरी है, इटली है, जापान है, ब्राजील और फ्रांस जैसे देश भी अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि हैं। अश्विनी जी मैं आपके पास लौटता हूं, 3 बातें जो अश्विनी उपाध्याय ने कही हैं मैं उनको दोहराना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। आप कहते हैं कि ये जो साउथ है, नॉर्थ है, हिंदू है, सनातन है, ये जितने तरह के फसाद होते हैं ये सारे फसाद बार बार उठाए जाते हैं, ये एक ही बार उठेंगे, निपट जाएंगे, देश शांति से रहेगा। साधन संसाधन टीचर को, स्कूल को, पैरामिलिट्री फोर्स को, पुलिस को, सबको बार बार लगाया जाता है, यह सब एक ही बार में लगेगा, देश निश्चिंत हो जाएगा। बार बार वोटर लिस्ट बनाई जाती है, बार बार तैयार किया जाता है, एक ही बार में होगा, देश निश्चिंत हो जाएगा। लेकिन कैसे? संविधान में संशोधन, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, इन दोनों में बदलाव कैसे होगा? मैं अश्विनी उपाध्याय से पूछना चाहता हूँ, उससे पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। एक देश एक चुनाव से होने वाले फायदों को मोटे तौर पर 3 पॉइंट में आप समझ सकते हैं। पहले जो हम लोग कह रहे हैं कि पैसों की बर्बादी रुकेगी, दूसरा बार बार चुनाव कराने के झंझट से आप मुक्त रहेंगे, देश मुक्त रहेगा, जो मशीनरी बार बार एंगेज होती है वो नहीं होगी, उसका आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और इससे बड़ा फायदा ये है कि काला धन जो है, चूँकि चुनाव में सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी लगाई जाती है, जो पैसा आप देखते, मैं भी जो आंकड़े आपको बता रहा था वो आंकड़े रिकॉर्ड के हैं जो बताए जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको अपना खर्चा बताना है, तो कैंडिडेट जो खर्चे बताते हैं उन खर्चों का जो मिला जुला आंकड़ा बनता है वो मैंने आपको बताया, वही आपको रिकॉर्ड पे मिलेगा, लेकिन उसके नीचे उससे कई गुना ज़्यादा खर्च होता है और वो ब्लैक मनी है, उस पर रोक लगी। इस देश में 1952 से जब चुनाव शुरू हुए और लगभग 70-71 तक साथ साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते रहे, 52 का चुनाव हुआ, 57 का चुनाव हुआ, 62 का चुनाव हुआ, 67 का चुनाव हुआ, लेकिन इंदिरा जी ने 72 में चुनाव होने थे उनको 71 में कर लिया, एक साल पहले कर लिया, फिर बाद में विधानसभा चुनाव होने लगे, इमरजेंसी में बहुत सारे राज्यों में सरकारें भंग कर दी गईं, फिर जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने कई राज्य की सरकारों को भंग कर दिया, तो इस तरीके से सब गड़बड़ झाला हो गया और मामला फंस गया। फिर चुनाव हर साल औसतन 4-5 राज्यों में चुनाव होते हैं। अश्विनी जी, अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो संविधान में संशोधन
और यह जो कानूनी बंदोबस्त ऐसा हो कि फिर से आप हॉर्स ट्रेडिंग ना कर पाए, सरकारें ना गिर पाए, राष्ट्रपति शासन ना लागू हो, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, सरकार गिर गई तो चुनाव कराएंगे, तो फिर वो एक साथ चुनाव की बात ही बिगड़ जाती है। तो ऐसी कितनी बातों को आप तय करेंगे कि वन नेशन के रास्ते आप चल पाए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो संविधान निर्माताओं का सपना था, मतलब उस जमाने में उन्होंने सोचा था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन रोल होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, ये चर्चा हो चुकी है। और इवन मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट पे बाबा साहब अंबेडकर बहुत फर्म थे, उनका कहना था होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या हुआ, अगर लागू कर देते तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था फ्रीडम स्ट्रगल के चक्कर में, वो बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाते। बहुत सारे लोग सब अपनी जिंदगी उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में लगा दिया था, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाते, ओवर एज हो गए थे। तो मुझे लगता है अगर आपको वास्तव में इसको ट्रांसपेरेंट जाना है तो सबसे पहले जो बिक्री खरीद वाला सिस्टम है इसको रोकना पड़ेगा, दूसरा आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट तय करना पड़ेगा, एक आपको क्राइटेरिया बनाने का फिल्टरिंग क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधन कैसे होगा, क्योंकि जो दो तीन प्रोविजन है उसको संशोधन उसको बदलने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में भी 2/3 और लोकसभा में भी 2/3। राज्यसभा में तो अभी सिंपल मेजोरिटी से भी 4 सीट कम है, राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी 121 चाहिए, अभी है एनडीए के पास 117, तो 4 सीट वहां कम है। दूसरा ऑप्शन है राणा की लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और उसमें 2/3 उसमें मेजोरिटी पास कराए। अब ज्वाइंट सेशन में जो 2/3 मेजोरिटी के लिए जो मिनिमम चाहिए वो चाहिए 521, जो फिगर होगी लोकसभा राज्यसभा की वो 521 सांसद चाहिए, तो 521 चाहिए आपको संविधान बदलने के लिए। आपके पास राज्यसभा में अभी केवल 117 है, तो इसका मतलब आपको लोकसभा में 404 सीट चाहिए। 404 का मतलब जो राजीव गांधी जी को 1984 में 404 सीट मिली थी वो आंकड़े आपको टच करना पड़ेगा, तब ये वन नेशन वन इलेक्शन वास्तव में धरातल पे आ पाएगा, अदरवाइज उसके पहले धरातल पर नहीं आ सकता। तो 400 पार का आंकड़ा जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, तो कांग्रेस कहती है कि संविधान बदलना चाहते, संविधान को ध्वस्त करना चाहते हैं। राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से जब चुनाव हुए थे तो 415 सीटें लेकर के कांग्रेस आई थी, और जब उस आंकड़े के आसपास नरेंद्र मोदी की सरकार जाती है तभी संविधान में वो संशोधन हो सकता है जिसके जरिए आप वन नेशन की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं, यही अश्विनी जी कह रहे हैं। अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या इसके लिए विधानसभा में जाकर के भी आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी या फिर संसद ही काफी है? नहीं, संसद ही काफी, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके लिए आपको विधानसभाओं से मंजूरी लेने की जरूरत है। इसमें टोटल 6 बदलाव करने पड़ेंगे, उसमें 2 बदलाव तो ऐसा जो सिंपल मेजोरिटी से भी हो सकता है, उसके लिए 2/3 नहीं चाहिए, लेकिन 4 ऐसे प्रोविजन है जिसके लिए आपको 2/3 चाहिए, और 2/3 चूंकि अलग अलग तो हो नहीं पाएगा, तो उसका एक ही रास्ता निकलेगा कि आप लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन बुलाइए और वहां आपके पास, मुझे ऐसे लगता है कि इस बार जो 400 पार का शायद नारा दिया गया है वो बहुत प्लांड वे में दिया गया है, क्योंकि जितने भी संविधान में आपको संशोधन करना है उसके लिए मिनिमम आपको लोकसभा में 404 चाहिए, तभी एक राज्यसभा का 117 मिला के आपके 521 हो पाएंगे, और बहुत आवश्यक है। देखिए, संविधान के बारे में राणा जी दो लोग फालतू बातें करते रहते, अरे 125 बार बदला जा चुका है, और अब आज की जरूरत है कि आपको अगर समान शिक्षा लागू करना है संविधान संशोधन करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना है चलिए वो तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना फिर आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आपको धर्मांतरण रोकना है आर्टिकल 25 बदलना पड़ेगा, फिर आपको लोकसभा में 404 चाहिए, अगर आपको घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाना फिर आपको चाहिए, इसी तरीके जो तुष्टीकरण होता है माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट जो दुनिया भर के जहर बोया जाता है, अगर वो माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना है तो भी आपको आर्टिकल 30 को बदलना पड़ेगा, उसके लिए भी 404 चाहिए। तो मुझे लगता है अगर जो लैंडमार्क डिसीजन होने हैं जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं संविधान में संशोधन न होने के कारण पड़ी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए तो लोकसभा में 404 चाहिए, तब जाके वो राज्यसभा का 117 और लोकसभा का 404 मिला के टोटल बनेगा 521। जी, कुल मिलाकर के वन नेशन वन इलेक्शन जिसकी चर्चा मैंने की, यानी कि देश में लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जाएं, उसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत है। उस संशोधन के लिए अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि 521 सांसदों की उनका समर्थन सरकार को चाहिए,
और इसकी खातिर 404 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जब लेकर के आते हैं तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या मिला देते हैं 117 तो 521 होते हैं। इसीलिए 404 पार का नारा, 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और संविधान संशोधन के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन को जितने भी लोग हैं जिनको समझ में आता है कि देश में तरक्की चाहिए, विकास चाहिए, बेहतरी चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए, समाज स्वस्थ चाहिए, देश तरक्की पसंद होना चाहिए, तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, वो सब लोग इसकी हिमायत करते हैं। अश्विनी उपाध्याय उसके झंडा बरदार हैं, ये लगातार इसकी आवाज़ लगाते रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ मेरी भी आपके साथ रहती हैं कि आप इन मोर्चों पर लगातार कामयाब होते रहें। और राणा जी, मैंने 2023 में राणा जी 115 जिलों में प्रवास किया था। 2023 में केवल मैं 12 नवंबर को जो संडे था उसी एक संडे को मैं अपने घर पे था क्योंकि 12 नवंबर को दीपावली थी और अदरवाइज 51 सैटरडे 51 संडे मैं जनता के बीच में रहा और 115 जिलों में जाके मैंने लोगों को बताया कि क्या क्या आवश्यक है। वन नेशन वन पुलिस कोड की जरूरत है। अभी क्या हो रहा है कि यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, तो उसके लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पुलिस जो स्टेट सब्जेक्ट है उसको कॉन्करेंट में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको 404 लोकसभा में करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पुलिस चूंकि स्टेट लिस्ट में आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, उसको भी लाना पड़ेगा। पुलिस का लफड़ा भी आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है, स्टेट पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच में टकराव चलता है। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों के साथ यह जो पूरा मसला है इसकी सारी बारीकी बताने के लिए। एक साथ चुनाव पर चुनाव आयोग ने, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूं आगे बढ़ने से पहले, पूरे देश में एक साथ ही सारे चुनाव कराए जाएं, 1983 में पहली बार इसका सुझाव आया चुनाव आयोग की तरफ से। उस साल चुनाव आयोग की जो पहली वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसमें इस पर विचार के बारे में लिखा गया था। जो विधि आयोग होता है उसकी तरफ से 1999 में इसका विचार सामने आया। 1999 में जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने चुनाव कानूनों के सुधार पर अपनी रिपोर्ट रखी थी। इस रिपोर्ट में चुनाव सुधारों के एक भाग के रूप में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। 2015 में कानून और न्याय पर संसद की जो स्थायी समिति होती है उसने अपनी 79वीं रिपोर्ट 79th रिपोर्ट जारी की। सुशासन के लिए इसे जरूरी बताया गया वन नेशन वन इलेक्शन को। साल 2017 में नीति आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की। 30 अगस्त 2018 को जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में भारत के विधि आयोग ने एक चुनाव पर अपनी मसौदा एक साथ एक चुनाव पर अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने से जुड़े कानूनी और संवैधानिक सवालों की जांच भी की गई थी, यानी कि जो पेंच आएंगे संविधान में उन पेंचों को सुलझाने के क्या क्या रास्ते हैं और यह व्यवस्था कैसे बहाल हो सकती है उस पर विचार किया गया था। लंबे समय से यह मुद्दा खिंचता चला रहा है, इस पर बात होती रही है, इसे देश हित में जरूरी बताया जाता रहा, लेकिन कोई गंभीर प्रयास नरेंद्र मोदी की सरकार के आने तक नहीं हुआ। साल 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, इस मुद्दे पर शुरू से वे मुखर रहे। एक देश एक चुनाव के पक्ष में नरेंद्र मोदी ने कई मंचों पर अपने विचार रखे, वे संसद में भी इस बारे में अपनी बात रख चुके हैं और बहुत साफ गोई के साथ कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे, हम चीजों को स्थगित करो। मैं मानता हूं जी कि जितने बड़े बड़े नेता हैं व्यक्तिगत जब भी मिला हूं सबने कहा यार ये बीमारी से तो मुक्त होना चाहिए, एक बार 5 साल में एक बार चुनाव आए, महीना दो महीना चुनाव का उत्सव चले फिर सब काम में लगे। ये बात सबने बताई, सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती होगी। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची, कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। राज्य और केंद्र मिलकर के कानून बनाए और तय करें भाई एक ही मतदाता, और मैं बता दो पंचायतों के चुनाव वाली मतदाता सूची होती है उसमें एक भी मतदाता छूटता नहीं है,
क्योंकि वहां एक एक वोट की कीमत होती है, 30-40 वोट से हार जीत होती है। अगर वो मतदाता सूची, हमारी मतदाता सूची में कभी समस्या ही नहीं आएगी। उसी प्रकार से पोलिंग स्टेशन मतदाता को हर बार याद करना पड़े, मेरा उसको पता होना चाहिए तुम्हारा पोलिंग स्टेशन यही स्कूल का है, वो कमरा है तुम्हारा हमेशा। ये व्यवस्था क्यों विकसित नहीं हो सकती? और इसलिए इलेक्शन के रिफॉर्म्स अनिवार्य है, कर तो होने रहने चाहिए, लेकिन हम ये मान के चले। अच्छा, हमारे देश में पहले एक देश एक चुनाव होता था जी, ये बांध में गड़बड़ होने के बाद डिरेल हुआ है और उसका सबसे अधिक बेनिफिट आप लोगों को मिला है। और आप आज उस विरोध, कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं जिस तर्क में कोई सही में, अगर 48 देशों में एक साथ चुनाव होते हैं, हर लेवल के चुनाव, और भारत में भी होते रहे हैं, तो फिर इनके होने पर बवाल क्यों, सवाल क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में जो बदलाव करने होंगे उसको मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन की मांग करता है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि उसमें तय है कि 5 साल की। तो जो चुनाव होता है, संसद की जो पहली बैठक होगी और विधानसभा की जो पहली बैठक होगी, वहां से 5 साल की अवधि तय है। इसमें बदलाव होगा। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव होगा। अनुच्छेद 172 जो विधानसभाएं होती हैं उनका जो टाइम फ्रेम है पहली बैठक से लेकर के 5 साल उसमें तक वो फिक्स हो जाएंगी। उसमें कई प्रोविजंस हैं कि अगर वो विधानसभा भंग हो गई, सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, विधायक टूट करके चले गए, तो ऐसे हालात में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उनको दुरुस्त करना होगा। आर्टिकल 174, ऐसे ही आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल का जो प्रोविजन है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। और इन बदलावों के लिए ही आपको 3/4 लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो 521 बनता है, यानी कि 400 पार जब मोदी सरकार जाएगी उसके बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन का कानून वो बना पाएगी।